नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल एस्क्लेपियस आयुर्वेदा में। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करेंगे AWPL कंपनी से रिलेटेड कुछ जानकारियां और उसके बिजनेस प्लान के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं AWPL जो कि हमारी कंपनी का पूरा नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी की स्थापना सन 2014 में हुई थी। इस कंपनी के MD श्री संजीव कुमार, मानचंद रायपुरिया और अमित कुमार हैं। इसके अलावा AWPL कंपनी का मेन उद्देश्य जो है वो है हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। इस कंपनी का हेड ऑफिस द्वारका सेक्टर 17 न्यू दिल्ली में है। ये कंपनी आयुर्वेद पर काम करती है तथा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी के पास इन कामों के लिए लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं। इसके अलावा समय समय पर अच्छे कामों के लिए देश के राष्ट्रपति एवं मुख्यमंत्री द्वारा इसे कई बार पुरस्कार भी मिल चुका है। ये कंपनी डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन के अनुसार ही काम करती है। इस कंपनी के साथ मिलकर काम करने के लिए आपको इसमें एक रजिस्ट्रेशन करना होगा जिसका कोई चार्ज नहीं है। इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पैन कार्ड और एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो होना चाहिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जो कि आपको रजिस्ट्रेशन के समय में अपलोड करना होगा। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको एक लॉगिन आईडी और एक पासवर्ड मिलेगा। आपको कंपनी की साइट पर जाना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप अपना ट्रैक जो है, जो भी रिकॉर्ड है उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। आपने कितने वर्क किए हैं, क्या आपको कमीशंस मिले हैं, ये सारी चीज़ें आप इसके द्वारा ट्रैक कर सकते हैं। क्योंकि हमारी कंपनी जो है ये सेल पॉइंट पर काम करती है। जो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें MRP, DP और SP जो कि सेल पॉइंट जिसे कहा जाता है, DP डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस कहा जाता है और MRP को मैक्सिमम रिटेल प्राइस कहा जाता है। अब दोस्तों जब आप डायरेक्ट सेलर बन जाते हैं, डायरेक्ट सेलर के बाद हमारी कंपनी कहती है कि आपको सबसे पहले प्रोडक्ट्स को यूज करने हैं तो आपको परचेज करने होंगे। इसमें परचेज करने के लिए आपको 3 स्टेप दिए गए हैं। 3 स्टेप कहने का अर्थ है कि 3 कैटेगरी है। आप जब डायरेक्ट सेलर बनते हो तो डायरेक्ट सेलर बनने के बाद ही आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं हो जाता है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन करते हो आप डायरेक्ट सेलर बनते हो, तो डायरेक्ट सेलर बनते ही आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको इसमें एक्टिव डायरेक्ट सेलर, एक्टिव मेंबर बनना होता है। और एक्टिव मेंबर बनने के लिए आपको 3 कैटेगरी दिया गया है। इस कंपनी में चूँकि हम शुरू में बताए हैं ये कंपनी सेल पॉइंट पर काम करती है, तो जब आप 27 सेल पॉइंट से ग्रीन कराते हैं तो आप इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्ट सेलर की कैटेगरी आपको बनती है। उसके बाद जब 52 सेल पॉइंट से कराते हैं तो आप इस कंपनी के सुपर डायरेक्ट सेलर बनते हैं। और 100 SP से कराने पर, 100 सेल पॉइंट पे कराने पर आप इसके प्रीमियम डायरेक्ट सेलर बनते हैं। हम आगे चल के आपको बताएंगे कि एक्जीक्यूटिव डायरेक्ट सेलर या सुपर डायरेक्ट सेलर और प्रीमियम डायरेक्ट सेलर में क्या अंतर है, कैपिंग इत्यादि के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो जब आप अपनी ID को ग्रीन करा लेते हैं 27 सेल पॉइंट या 52 या 100 SP से, तो आप इस कंपनी के एक्टिव डायरेक्ट सेलर हो जाते हैं। आप इस कंपनी के एक्टिव मेंबर हो जाते हैं और आपका बिजनेस यहां से स्टार्ट हो जाता है। अब चूँकि जब बिजनेस आप स्टार्ट हो गया है तो कंपनी कहती है आपको कि पहले यूज़ द प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स को पहले इस्तेमाल कीजिए, देन गेट रिजल्ट, तब आप देखिए कि आपको क्या रिजल्ट मिलता है, देन शेयर इट विद द पीपल। बहुत ईजी है। आपको प्रोडक्ट लेने हैं, उसको यूज करने हैं, यूज करने के बाद आपको देखना है कि बेनिफिट्स है या नहीं है। बेनिफिट्स है तो उसको लोगों को शेयर करना है। तो ये एक चेन से दूसरे चेन तक, मतलब नेटवर्क बैनरी सिस्टम वाला प्रोग्राम है। इसमें आपको आपके लेग होते हैं जिसमें कि एक होता है SAO जिसको कि बोनस कहा जाता है लेफ्ट साइड, और राइट साइड को SGO या इंसेंटिव लेग बोलेंगे। यहाँ पे दोस्तों इस कंपनी के द्वारा हमें कई तरह से इनकम होता है। जैसे सबसे पहले है रिटेल इनकम, रिटेल कमीशन जिसको कहते हैं। इसके बाद है मैचिंग कमीशन, उसके बाद है लेवल कंप्लीट या प्रमोशनल कमीशन, देन रिवार्ड कमीशन, उसके बाद टूर एंड ट्रेवल कमीशन है, और उसके बाद है आपको रिपर्चेज कमीशन। इन सारे कमीशन के बारे में अभी आगे आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे रिटेल कमीशन के बारे में। रिटेल कमीशन के लिए आपको दोस्तों सबसे पहले प्रोडक्ट आप जब लेते हैं तो उस पर MRP होता है, उसके बाद DP रेट लिखा रहता है। आपको DP रेट पे, चूँकि आप डायरेक्ट सेलर हैं तो आपको DP रेट पे मिलेगा प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए आप 1000 का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसका MRP जो है वो 1200 होगा। कहने का अर्थ ये है कि आपको रिटेल प्रॉफिट जो है
20-30% आपको रिटेल प्रॉफिट हो जाता है, जो कि आप यदि 10,000 का प्रोडक्ट ले रहे हो तो आप उसको 12,000 तक में MRP रेट पर सेल कर सकते हो। तो ये था रिटेल इनकम। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे मैचिंग। मैचिंग का इनकम कैसे होता है और मैचिंग इनकम हमको क्या मिलता है। दोस्तों, मैचिंग इनकम के लिए आपको आपका जो लेग है, लेफ्ट और राइट, उन दोनों लेग में एक एक और आदमी को जुड़ना होगा। और उसमें जैसे ही आप जोड़ते हैं और वो लोग भी आप ही की तरह पहले यूज़ द प्रोडक्ट्स देन गेट रिजल्ट एंड शेयर इट विथ पीपल, ये वर्क जब वो लोग भी करेंगे, पहले प्रोडक्ट वो परचेज करेंगे, तो जैसे ही वो परचेज करेंगे तो हम चूँकि शुरू में ही बताए हैं कि ये हमारा जो कंपनी है सेल पॉइंट पे काम करता है, वो जब डायरेक्ट सेलर बनेंगे, आपके लेफ्ट में एक बंदा और राइट में एक बंदा, जब वो डायरेक्ट सेलर बनेंगे तो वो भी आपको एक्टिव मेंबर बनने के लिए 27 सेल पॉइंट, 52 सेल पॉइंट और 100 सेल पॉइंट से ID को ग्रीनिंग कराएंगे। यदि मान लीजिए सपोज दैट यदि आपके लेफ्ट में और राइट में ए और बी जो पर्सन है वो 100-100 सेल पॉइंट से जब ग्रीनिंग कराएंगे तो आपका जो मैचिंग इनकम है वो हो जाएगा 1000 रुपीज़ आपको मैचिंग का मिलेगा 100-100 सेल पॉइंट पे। जब 100 सेल पॉइंट आपके लेफ्ट में हो जाएगा, 100 सेल पॉइंट राइट में हो जाएगा, तो आपको मैचिंग का 1000 मिलेगा। तो ये दोस्तों मैचिंग इनकम है। ये आपको लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक, चूँकि हम आपको यहाँ बता दें कि यहाँ पे टोटल AWPL में 18 लेवल हैं, लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक आपको मैचिंग इनकम मिलेगा। नेक्स्ट कमीशन की बात करते हैं। नेक्स्ट कमीशन हमारा है बोनस कमीशन, या इसको लेवल कमीशन कह सकते हैं, प्रमोशनल कमीशन बोल सकते हैं। चूँकि कंपनी जब आप वर्क करते हैं तो एक कंडीशन डालती है, और यहाँ पे हम शुरू में ही बताए हैं लेवल के बारे में, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, इस तरह करके 18 लेवल हैं। हर एक लेवल के लिए यहाँ बनाया गया है क्राइटेरिया। जैसे एग्जाम्पल हम देते हैं फर्स्ट लेवल का। फर्स्ट लेवल में बताया गया है कि आपको जब आप इस कंपनी के एक्टिव मेंबर हो जाते हैं तो आप अपने लेग में, चूँकि लेफ्ट और राइट लेग बनता है आपका, तो आप अपने लेग में जब लेफ्ट साइड दो बंदों को ऐड करते हैं और राइट साइड में एक बंदे को ऐड करते हैं और उनकी ID 100-100 से ग्रीन कराते हैं, उनको एक्टिव मेंबर बनाते हैं, तब आपको कंपनी जो है, जो शुरू में 100 और 100 लेफ्ट और राइट है, उसके मैचिंग के लिए आपको 1000 देगी। और उसके बाद जो लेफ्ट में फिर 100 से ग्रीनिंग कराएंगे तो वहाँ पर आपको क्या होगा कि एक प्रमोशनल इनकम आएगा जो कि 1500 रुपीज़ रहेगा, 1500 रुपये। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि फर्स्ट लेवल जब आप अचीव होगा तो फर्स्ट लेवल आपका ब्रॉन्ज लेवल कहलाया जाएगा, ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स कहलाएंगे आप, और इस लेवल का टोटल इनकम रहेगा 2500 रुपये। जी हाँ दोस्तों, इस लेवल का इनकम रहेगा 2500 रुपये। AWPL में फर्स्ट लेवल का जो इनकम है 2500 रुपये है। अब बात करते हैं नेक्स्ट लेवल की। तो नेक्स्ट लेवल के लिए यहाँ पर क्या है, 2:1, इसी रेशियो पर ये कंपनी कार्य कर रही है। 2:1 मतलब लेफ्ट में दो तो राइट में एक। अब नेक्स्ट लेवल के लिए, चूँकि आप फर्स्ट लेवल ले लिए हैं, आपके लेफ्ट में दो लोग हो गए हैं, राइट में एक लोग हो गए हैं, तो आपको 2500 रुपये मिल गए, जिसमें 1000 आपका मैचिंग का हो गया और 1500 हो गया प्रमोशनल। उसके बाद नेक्स्ट लेवल के लिए क्या है आपका, नेक्स्ट लेवल के लिए आपको आपके लेफ्ट में जो है वो चाहिए, आपको 6 लोग चाहिए और राइट में 3 लोग चाहिए। तो यहाँ 6 लोग जब 100-100 से ग्रीन कराएंगे और राइट साइड में 3 लोग जब 100-100 से ग्रीन कराएंगे, तो मैचिंग का जो है 3 इधर और 3 इधर, ये तीनों मैचिंग होके आपको मैचिंग का 3000 मिलेगा। और उसके बाद जो प्रमोशनल है वो आपको 4500 रुपया सेकेंड लेवल में मिलेगा। इस कंपनी का नेक्स्ट लेवल है गोल्ड लेवल, और गोल्ड लेवल में भी उसी तरह आप जैसे पिछला लेवल अचीव किए हैं, लेफ्ट में 1200 SP या कहें 12 लोग और राइट में 6 लोग जब आपके एक्टिव होते हैं तो आपको गोल्ड डायरेक्टर का लेवल मिलता है। और इस लेवल का जो मैचिंग है वो हो जाता है 6000 रुपीज़, और इसका प्रमोशनल हो जाता है 9000 रुपीज़ आपको मिल जाते हैं। टोटल जो इनकम है 50000 रुपीज़ मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल की बात करेंगे। नेक्स्ट लेवल जो है गोल्ड के बाद वो चौथा लेवल, जिसको कि हम लोग प्लेटिनम डायरेक्टर
कहते हैं। इस लेवल में आपको 24 लोगों को लेफ्ट में और राइट में 12 लोगों को ऐड करना होता है। जब ये लोग एक्टिव हो जाते हैं तब आपको मैचिंग का 12,000 रुपये और प्रमोशन का आपको मिलता है 20,000 रुपये। तो टोटल इसका इनकम हो जाता है 32,000 रुपये कंपनी आपको देती है। इसके बाद नेक्स्ट लेवल हमारा जो पांचवा लेवल है, पांचवा लेवल को हम बोलते हैं इमराल्ड डायरेक्ट सेलर। और इस लेवल में आपके लेफ्ट में हो जाते हैं 48 लोग और राइट में हो जाते हैं 24 लोग। और इस लेवल में आपका जो इनकम होता है मैचिंग का वो हो जाता है 24,000 और प्रमोशन का जो होता है 45,000 रुपये। टोटल आपका इनकम हो जाता है 69,000 रुपये मिल जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो लेवल है वो टोपाज डायरेक्ट सेलर का लेवल है। और इसमें थोड़ा सा आपका जो लोगों का क्वांटिटी है वो बढ़ जाता है। इसमें आपको 120 लोग लेफ्ट में और राइट में आपको 60 लोग चाहिए। जब ये लोग एक्टिव हो जाते हैं तो आपका मैचिंग का 60,000 और प्रमोशन का मिलता है 1.5 लाख रुपये। टोटल हो जाता है आपका 2,10,000 रुपये इसका टोटल इनकम हो जाता है। नेक्स्ट लेवल की बात करेंगे रूबी स्टार, उसके बाद है सफायर डायरेक्ट सेलर। ये सारे जितने भी डायरेक्ट सेलर हैं टोटल 18 लेवल तक इसी तरह इसका इनकम होते जाता है। सफायर के बाद है स्टार सफायर, स्टार सफायर के बाद जो दसवां हमारा लेवल है वो डायमंड लेवल है। और डायमंड के बाद आता है ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, रॉयल डायमंड और क्राउन डायमंड। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 15वां जो लेवल है वो कहलाता है एम्बेसडर डायरेक्ट सेलर। उसके बाद 16वां जो है रॉयल एम्बेसडर डायरेक्ट सेलर है। 17वां क्राउन एम्बेसडर डायरेक्ट सेलर है। और 18वां जो है ब्रांड एम्बेसडर डायरेक्ट सेलर है। तो टोटल यहां पर आपको 18 लेवल है। 18वां लेवल का जो इनकम है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एक टेबल फॉर्मेट में, जिसको कि आप देख कर समझ सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे आपको नेक्स्ट कमीशन की, जो है आपका टूर एंड ट्रेवल कमीशन का है। दोस्तों टूर एंड ट्रेवल जो कमीशन है हमारा, जैसे ही 6वां लेवल कंप्लीट करते हैं और 7वां लेवल में आते हैं वहाँ से हमको मिलना चालू हो जाता है टूर एंड ट्रेवल। इसके अलावा हमको बहुत सारे फंड्स मिलते हैं, जैसे कार फंड्स हुआ, बाइक फंड्स हुआ, ये सारे बहुत सारे फंड्स मिलते हैं। आप चाहें तो कार बाइक ले सकते हैं, टूर ट्रेवल में आप कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं, या इसके अलावा आप इसका पैसा भी ले सकते हैं। ये भी हमारा एक तरह का इनकम हुआ। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो इनकम है वो है रिवार्ड इनकम। रिवार्ड इनकम में भी कंपनी कई बार, जो कंपनी में जो लीडर होते हैं वो कई बार बहुत सारे टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत सारे टारगेट निकालते हैं। और उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप जब वर्क करते हैं तो आपको उसमें एक्स्ट्रा आपको इनकम मिल जाता है। वो इनकम भी आपका एक तरह का इनकम है, ये रिवार्ड इनकम हुआ। उसके बाद नेक्स्ट जो इनकम है और फाइनली आपको रिपर्चेज इनकम होता है। रिपर्चेज इनकम में क्या होता है कि आपको कंपनी में हर एक महीने कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जब आपको ज़रूरत होती है तो आप लेते हैं, और उसका एक बहुत खूबसूरत मैचिंग निकल के आता है। जब आपके लेफ्ट में और राइट में 100-100 सेल पॉइंट का वर्क होता है तो वहाँ पर आपको उसका मैचिंग का 1500 रुपया मिलता है। ये भी आपका एक तरह का इनकम है। ये आपके जो इनकम है 18 लेवल तक ये सब मिलते जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारे AWPL एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का बिजनेस प्लान, जिसमें कि आप देखें कि एक लेवल से लेके 18 लेवल तक के बिजनेस हैं। और इस बिजनेस में आपको बहुत सारा रिटेल प्रॉफिट, सेल्स कमीशन जो कि मैचिंग कमीशन है, उसके अलावा प्रमोशनल कमीशन है, टूर एंड ट्रेवल का कमीशन है, रिवार्ड्स है और रिपर्चेज का कमीशन, ये बहुत सारा इनकम आप यदि आप इसमें ईमानदारी से काम करें तो एक अच्छे लेवल को हासिल करके आप बहुत अच्छा इनकम कर सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी AWPL में। तो आई होप दोस्तों मेरे द्वारा ये जानकारी जो दी गई है बिजनेस प्लान AWPL से रिलेटेड आपको अच्छी लगी होगी। और मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।